सबसे पहले हमें लिस्ट किसकी बनानी चाहिए? जो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी चाहिए सवालों की, अगर आप बिजनेस में नए हो और आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, मोदी के भाग गई तो क्या होगा, फ्यूचर में कर भाग गई मोदी के प्रोडक्ट बंद होने के प्रोडक्ट महंगे हो गए, तो कुछ भी जो भी आपके मन में सवाल है, तो सबसे पहले उन सवालों का सवाल लिख लो 10, 20, 50, है ना, बार 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 अपने अप्लाइंग क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, एक साथ लिख लो आप 100 तो सवाल और अप्लाइंग को भेजा दो कि सर 2 घंटे यही बैठो मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो, फिर मैं मोदी के करूँगा मैं लिखूंगा, ठीक है। पहला काम अपने को यही करना, जब आपके सारे सवाल खत्म हो गए, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, फिर हमने ये रखा कि हाँ अब मुझे इस बिजनेस को करना है, तो दूसरी आपको लिस्ट बनानी है वो आपके सपनों की बनानी है, आपके ड्रीम्स की बनानी है कि हाँ मुझे ये मोदी के क्यों करना है, क्या मैं मोदी के लिए करने आ गया, टाइम पास करने के लिए, घरों में काम नहीं था इसलिए आ गया, या सोचा है बारिश हो रही है इसी बात में बात हो रहा है बरसात, या क्या कारण है ना मैं मोदी के अपने सपनों के लिए आऊँ, वो सपने क्या है, क्या मुझे मोदी के से एक नया मोबाइल चाहिए, क्या मोदी के उसमें कार चाहिए, क्या मोदी के उसमें पॉलिटिक्स चाहिए, कोई भी चीज़ है ना, अगर आपको लगता है घर में अपने पास सोफा नहीं है तो ये भी अपना एक ड्रीम हो सकता है ना, घर में अपने पास चार अच्छी चेयर नहीं है तो ये भी अपना ड्रीम हो सकता है, अगर आप पहले से अच्छा कमाते हो तो लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाने का भी अपना ड्रीम हो सकता है, डिपेंड करता है आप पे, तो क्यों मुझे क्यों करना है मुझे वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर एक आपको तीसरी लिस्ट और बनानी है लोगों की, जिन लोगों से हम मिलेंगे, जिन लोगों से हम बात करेंगे इस बिजनेस की, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम प्लीजर्स कर लेते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, इसकी तो दुकान बहुत अच्छी चलती है, बहुत पैसे वाला है, इसको क्या जरूरत है, इसको क्यों बताऊँ, है ना, इसके पास तो पहले से कार है, या इसके पास पहले से बहुत महंगी वाली कार है, किसी लाख रुपये कार चला रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं होती, तो हमें है ना, सोचो कोई आदमी मर्सिडीज में बैठा है और वो बैठा बैठा शायद यही सोच रहा है यार इस महीने की मर्सिडीज की किस्त कैसे देंगे, आपको पता है क्या अंदर बैठा बैठा क्या सोच रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि आदमी मर्सिडीज चला रहा है तो उसके ऊपर कर्जा नहीं है, उसके पास लाखों का नहीं उसके पास करोड़ों का होगा, है ना, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है ना, बिजनेसमैन ने मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, है ना, उसको क्या होता है रोटेशन, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन रोटेशन में आता था देखा तो बैंक में नहीं रहता, रोटेशन में रहता था, आया उधर आया इधर किया उधर किया, बस वो वैसे चलता रहता, पैसा है लेकिन आया तो रोटेशन में आया, और रोटेशन तो निकलता कब है ये पता नहीं है, लोग बैठे हैं मीटिंग में, है ना, वो मीटिंग चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है, या फिर दर चेंज हो जाना क्या, या तो लोग चेंज हो जाए या दर चेंज हो जाए, वो मीटिंग हो जाए फायदा अपना ही ना, दर चेंज हो जाए तो भी फायदा, क्योंकि दर चेंज हो गया तो लोग चेंज हो गए, है ना, और दर चेंज नहीं हुआ तो लोग चेंज होने जरूरी है।